राजस्थान के भरतपुर जिले के रूबास क्षेत्र में स्थित बंसी पहाड़पुर का लाल और सफ़ेद पत्थर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पहाड़पुर के इस पत्थर की खासियत है कि हजारों सालों तक खराब नहीं होता और ना ही इसकी चमक पर कोई असर पड़ता है। प्राचीन इमारतों से लेकर आधुनिक समय के मंदिरों व होटलों में इस पत्थर का उपयोग किया गया है। नक्काशी के मामले में इस पत्थर का कोई मुकाबला नहीं है। यह पत्थर बारिश के दिनों में दुगनी चमक देता है। यही वजह है कि देश विदेश में इस पत्थर की मांग अधिक है। वहीं बंसी पहाड़पुर के पत्थर को विभिन्न शहरों में ले जाकर नक्काशी का कार्य भी किया जा रहा है। स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार का साधन होने के साथ साथ आमदनी का जरिया है। पत्थर व्यवसायी यादराम कुशवाहा ने बताया कि बंसी पहाड़पुर के पत्थर का प्रयोग देश एवं विदेश की प्राचीन इमारतों में किया गया है। यह पत्थर सबसे ज़्यादा चर्चा में राम मंदिर निर्माण के दौरान आया था। राम मंदिर सहित अक्षरधाम मंदिर, विधानसभा, संसद, होटलों सहित प्राचीन महल, मंदिर व किलों में भी इसका प्रयोग किया गया है। इस पत्थर की मियाद 5000 साल से अधिक है। जितनी अधिक बारिश होती है उतनी चमक देता है यह पत्थर। ये जो गढ़ाई आ रही है ना इस पत्थर की, ये बंसी पहाड़पुर से निकलता है, गांव बंसी पहाड़पुर से, और ये बयाना रिको इंडस्ट्री में इसकी गढ़ाई आ रही है। और यहाँ पे करीबन लगभग 40-45 मजदूर वर्ग लगे हैं और सभी जगह के हैं, आगरा ज़िले के, भरतपुर ज़िले के, कुछ बाड़ी के हैं। तो ये यहाँ से इसकी गढ़ाई होकर के ये सीधा मुंबई जा रहा है। मुंबई में जो है वो मंदिर बन रहा है। यहाँ से हम जो बंदे हैं यहाँ इसकी हम नक्काशी करते, बहुत सी जगह नक्काशी बोलते हैं, कुछ गढ़ाई बोलते हैं, कोई अपनी तरीका से बोलता है जिस जगह से उसे। तो ये गढ़ाई होकर यहाँ से सीधा मुंबई जाएगा, फिर इसके बाद में वहाँ उतरेगा, फिर इसकी जो है फिटिंग करेंगे, या मतलब इनमें से कोई बंदा जाए या मतलब बाहर से कोई सेठ लोग बुलाते हैं, फिर इसकी फिटिंग होने के बाद में जैसे अक्षरधाम बनाए दिल्ली का, और ऐसे बहुत सी जगह है, मुंबई में है, तुम्हारे नाइजीरिया में, अमेरिका में, बहुत सी सारी जगह है। नाम मेरा देवेंद्र है, गांव बंसी पहाड़पुर है, तहसील रूपबास है, जिला भरतपुर है, राजस्थान।